अगर कोई भी आरटीपीएससी टेस्ट नहीं करते हो अभी आगे जा रहा है तो उसको 10,000 रुपये फाइन डाल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो लॉकडाउन में जो भी व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलने वाले प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट को पास इशू किया है जो ऑनलाइन पास मिलते हैं। आपको ऑफिसर क्या पूछा है? वही कोविड टेस्ट रिपोर्ट पूछा और जाने को बोल रहे हैं। अगर नहीं है बोला तो नहीं जाना, नहीं है बोला तो रिटर्न जाओ करके। कोविड 19 का टेस्ट है, अगर ये नहीं रहे डिप्टी कमिश्नर का भी परमिशन चाहिए, वो भी नहीं रहे तो आगे जाने नहीं दे रहा है। स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में, मैं हूं मुस्कान। महाराष्ट्र में लगाई गई कर्नाटका के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी, जांच के बाद नेगेटिव आने पर मिलेगी एंट्री। कर्नाटका से महाराष्ट्र जाने वाले तमाम यात्रियों को अब कोरोना की जांच रिपोर्ट के साथ ही महाराष्ट्र में प्रवेश दिया जाएगा, वरना भरना होगा 10,000 रकम का जुर्माना। एक बड़ी खबर, जो लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हें राज्य में आने की इजाजत नहीं है। कर्नाटका में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब कर्नाटका से महाराष्ट्र में जाने वाले लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। अब उन्हीं लोगों को प्रवेश मिल सकेगा जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी, वरना बिना जांच के यात्रियों पर अब सरकार ने लगाया है 10,000 रकम का जुर्माना। मतलब कि 100 रुपए में शोलापुर का सफर करने वाले यात्रियों को अब 10,000 का लगेगा जुर्माना। सरकार के कड़े आदेश, अब शुरू हो चुका है कोरोना के नाम से गरीबों से वसूली का एक बड़ा धंधा। गरीब वही पड़ा पड़ा मर जाएगा, मगर 10,000 रकम भला कैसे जमा कर पाएगा? देना होगा जुर्माना या फिर खाना होगा दंडे। इसके अलावा जनता के पास कोई और चारा ही नहीं बचा है। शोलापुर के तकली टोल प्लाजा पर महाराष्ट्र सरकारी की कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से कर्नाटका से महाराष्ट्र जाने वाले तमाम मुसाफिरों की चेकिंग की जा रही है। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं सिर्फ उन्हें ही लोगों को महाराष्ट्र में प्रवेश दिया जा रहा है, और जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हें राज्य में प्रवेश की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। कर्नाटका में टोल प्लाजा पर अचानक इस प्रकार की जांच यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है, तो वहीं इसी की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी अब लगना शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को राज्य में आने से रोकने के लिए महाराष्ट्र की सीमा पर सरकार ने ये चेक पोस्ट तैयार किया है। शोलापुर जिले से कर्नाटक राज्य के कई सीमा शुरू होते हैं और यहीं पर टाकली इलाके में कर्नाटक सरकार ने ये चेक पोस्ट बनाया है, जिसकी वजह से शोलापुर जिला होते हुए कर्नाटक जाने वाले यात्रियों को कोरोना की जांच गुजरना पड़ रहा है। तो आइए सीधे रुख करते हैं स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता सैफुद्दीन शेख की एक खास रिपोर्ट पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो टाकली करके जो चेक पोस्ट है उस चेक पोस्ट में। आप देख सकते हैं जितना भी गाड़ी फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, ये टाकली चेक पोस्ट में जो भी अधिकारी है उन लोग चेक कर रहे हैं आरटीपीआरसी टेस्ट, नहीं तो कोविड 19 का टेस्ट है। अगर ये नहीं रहे डिप्टी कमिश्नर का भी परमिशन चाहिए, वो भी नहीं रहे तो आगे जाने नहीं दे रहा है। सभी जनता को स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कोई भी कर्नाटक से हो या महाराष्ट्र से हो या आंध्रा से हो या तेलंगाना से हो या अदर कौन सा भी स्टेट से हो, अगर आप लोग आना जाना कर रहे हैं तो कोविड 19 का टेस्ट लेके आरटीपीआरसी का टेस्ट लेके आप आगे जाइए, नहीं तो डिप्टी कमिश्नर का परमिशन लेके जाइए। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का रूल्स है, जो कोई भी महाराष्ट्र में एंट्री हो रहा है आरटीपीआरसी टेस्ट लेके वो एंट्री हो। अकस्मात अगर किसी को अर्जेंट है या किसी के घर में डेथ हो गया है या किसी को मेडिकली कुछ हॉस्पिटल वगैरह जाना है तो उसके लिए छोड़ रहा है। अगर कोई भी आरटीपीएससी टेस्ट नहीं करते हो अभी आगे जा रहा है तो उसको 10,000 रुपये फाइन डाल रहा है। जो महाराष्ट्र सरकार का यह है रूल्स है, उस रूल्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार एक सॉफ्टवेयर बनाया है
जो मोबाइल पे, उस सॉफ्टवेयर में आपका नाम, आपका व्हीकल नंबर, आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, पूरा एंट्री करके आपको आगे जाना पड़ता है। आप मेरा पीछे देख सकते हैं जो टाकली चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट में हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। कर्नाटक से जो सोलापुर के लिए गाड़ी आ रहा है या महाराष्ट्र के लिए या दस गाड़ी जो भी आ रहा है, उसके लिए आप क्या एक्शन ले रहे हो गाड़ी के ऊपर? अभी ट्रैवलिंग के लिए जो ई कॉमर्स की गाड़ियां हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से उनको परमिशंस है। बाकी जो प्राइवेट व्हीकल्स है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए जो पासेस बने हैं उस पासेस को वेरीफाई किया जा रहा है। और उसी तरह जो पैसेंजर है उनमें, उन्होंने कोरोना के जो टेस्ट है वो टेस्ट किए हैं या नहीं है, आरटीपीसीआर टेस्ट है या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट है, वो टेस्ट किए हैं नहीं, उनके सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं। और उसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रूल्स और रेगुलेशंस जो निकले हैं उस हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रूल्स और रेगुलेशन क्या दिया है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो लॉकडाउन में जो भी व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलने वाले प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट को पास इशू किया है, जो ऑनलाइन पास मिलते हैं वो पास लेके ही उन्होंने ट्रैवल करना है। उसी प्रकार जो लॉकडाउन में संचार मंदी के आदेश लागू किए हैं, ये कोरोना का प्रसार रुकने के लिए सब जो भी गाइडलाइंस दिए हैं उन गाइडलाइंस को जनता ने फॉलो करना है, उसमें कुछ भी कुछ भी चीज़ें ड्रॉप नहीं करना है। अगर कोई ड्रॉप कर रहा है या आदत कोई नहीं मान रहा है तो उसका अंदर आने दे रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, कुछ रूल्स रेगुलेशन जो दूर से आ रहे या फिर कर्नाटक या अदर स्टेट से आ रहे तो उनको हम बता रहे हैं कि आप वापस जाइए, आप वो जो भी पास है वो निकाल लीजिए और उसी तरह वो पास लेके आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं। बेंगलोर कर्नाटक से आ रहे हैं, राजस्थान को जा रहे हैं, कोरोना रिपोर्ट कोविड टेस्ट के साथ जा रहे हैं। टेस्ट कब करे आप? दो दिन पहले वो करवाया था। क्या टेस्ट करे? कोविड आरटीपीसीआर। अब कितना लोग जा रहे हैं? तीन लोग जा रहे हैं ऑन व्हीकल में। यहाँ पे आपको ऑफिसर क्या पूछा है? वही कोविड टेस्ट रिपोर्ट पूछा और जाने को बोल रहे हैं। अगर नहीं है बोला तो नहीं जाना, नहीं है बोले तो रिटर्न जाओ करके। आपका नाम? राकेश। स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे पहले हमारी न्यूज देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।